राइडोसोल MP15 और अभी हम खड़े हुए हैं सिल्वानी रोड पर और गैस बोट आज हमें ब्लॉक पर और हम जा रहे हैं राजघाट। सो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि राजघाट जो है डैम है सागर से काफी ज्यादा पास में और मेनली सागर का डैम है जो कि पूरे सागर शहर की प्यास बुझाता है और आज हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और काफी अच्छे वहाँ पर व्यूज होते हैं और उसके अलावा घूमने लायक एक प्लेस है, अच्छा स्पॉट है सागर में। सो लेट्स गो। सो गाइस आज की राइड में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाई विवेक और ये रहे हमारे भाई। सो हाय करते हैं हमारी ऑडियंस को। सो अब यहाँ से हम बढ़ते हैं और फिलहाल हम जिस प्लेस पर खड़े हुए हैं काफी अच्छा लग रहा है, ये एग्जैक्ट एरिया है सिल्वानी रोड का और एक हिल स्टेशन टाइप का ये लुक दे रहा है, चारों तरफ का सराउंडिंग काफी अच्छा है एंड मॉर्निंग व्यू इज वेरी गुड फ्रॉम दिस प्लेस। और अब हम बढ़ते हैं आगे राजघाट की तरफ। हेलो, वेलकम बैक माय डियर राइडर सोल MP15 फैमिली। तो आप जान ही चुके होंगे हम कहाँ जाने वाले हैं। एनीवेज आज का दिन काफ़ी सुहाना है एंड मॉर्निंग ट्रैवल भाई लोग, मॉर्निंग ट्रैवल का तो मजा ही कुछ और है, एक बोले तो नेक्स्ट लेवल वाला, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है रोड्स। जैसा कि आप खुद ही देख सकते होंगे, अभी भी आप देख ही रहे होंगे कि कितना कम ट्रैफिक हमें रोड्स के ऊपर मिलता है एंड ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि भाई अगर हम दिन में निकलते हैं कभी भी तो दिन में तो आमतौर पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक हमें हैवी ट्रैफिक झेलना पड़ता है और उसके अलावा अगर हम कभी भी इवनिंग टाइम में भी ट्रैवल करते हैं और इवन रात में 8-9-10 बजे तक भी, मतलब रात में तो जाने का खैर कोई सीन ही नहीं होता लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन ये बात है कि मॉर्निंग टाइम में जब भी हम ट्रैवल करते हैं उसका मज़ा कुछ और हो जाता है। सो वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ राजघाट पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत से लोगों को तो पता होगा, जो भी व्यूअर्स हमारे सागर या सागर रीजन से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो बाहर से बिलोंग करते हैं हमारे भाई लोग, जो राजघाट है, राजघाट हमारे सिटी के नियम है सबसे बड़ा डैम है और बेसिकली अगर बोला जाए तो राजघाट ही हमारे शहर की प्यास बुझाता है। राजघाट के बनने से पहले तक पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को पानी का। सो ये एक ब्लेसिंग हम बोल सकते हैं हमारे शहर के लिए और खैर जो भी है ये सब हम वहाँ जाकर खुद ही देखेंगे, आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं राजघाट को, राजघाट की ब्यूटी को एंड राजघाट की इम्पोर्टेंस। एनीवेज इट इज़ गोना बी अ वेरी गुड फीलिंग फॉर अस। सो अभी फिलहाल रोडों की हालत काफ़ी बढ़िया है एंड अगर रोड मिले तो भाई मज़ा ही आ जाता है राइडिंग में, ये तो सभी राइडर रूबरू होंगे इस चीज़ से। और अगर मेरे से बोला जाए तो मेरे को इस टाइप की जो रोड्स है बेसिकली मुझे यही रोड ज़्यादा पसंद आती है, ऑफ रोडिंग करना मुझे ज़्यादा पसंद है भी नहीं, क्योंकि यार ऑफ रोडिंग के टाइम पे बाइक्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हाँ अगर हमारे पास में ऑफ रोड बाइक है सो वो तो फिर बात ही अलग है, नेक्स्ट लेवल, फिर तो हम अलग से ही ऑफ रोड को रस करते हैं भाई, ढूंढते हैं आजा लेट्स ऑफ रोड। और अभी फिलहाल हमारे साथ ऐसा कोई सीन है नहीं, सो इसलिए हम ऐसी रोड ही ज़्यादा पसंद आती है ट्रैवल पर्पसेस। सो वैसे तो अभी हम जिस जगह से होकर के गुजर रहे हैं, जिन भी मेरे भाई लोग ने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा लाखा बंजारा झील से रिलेटेड, वो तो समझ ही गए होंगे कि अभी हम किस रोड से जा रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ एंड आई बटन में भी, सो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave.
See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. भाई भी मजा आ गया, जरा रोड्स की कंडीशन देखिए और नियर बाय सराउंडिंग देखिए भाई। लग ही नहीं रहा है कि हम अपने शहर से इतने पास में, लग रहा है जैसे कि हम किसी हिल स्टेशन पर राइड कर रहे हो। अभी पूरा हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ गई भाई आज तो राजघाट जाने में, कसम से आज तो मतलब ब्लॉगिंग करने का, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी सही डेस्टिनेशन चुनी है अपने लिए आज के इस ब्लॉग के लिए और मेरे भाई लोग के लिए। और भाई लोग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एनीवेज इधर से जुड़ी हुई काफ़ी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स भी हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही लिंक्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी। एंड उसके अलावा कनेक्टेड रहिए मेरे भाई लोग, क्योंकि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा, एंड वी विल मेक अ ग्रेट बॉन्ड। और ज़रूरी भी है यार, अगर मैं अपने व्यूअर्स को नहीं समझूंगा या फिर मेरे व्यूअर्स मुझे नहीं समझेंगे तो आई डोंट थिंक ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे या मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लगती है वो है मेरे भाई लोग, जिनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ, जिनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिनके लिए मैं आगे भी काम करना चाहता हूँ। सो मेन चीज़ यही है। और उसके अलावा चलिए बात करते हैं कुछ हमारी ट्रिप की। तो राजघाट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अब रोडों का तो क्या ही कहना भाई, हरियाली वो भी रोड साइड, क्या बात है। इस मामले में तो यार मानना पड़ेगा हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिच है फॉर द ग्रीनरी। काफ़ी कंट्रीज आज के टाइम में ऐसी हो चुकी हैं जो मॉडर्न तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट ये ग्रीनरी फॉरेस्ट और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो सब खो चुके हैं। सो इस मामले में तो मैं अपने आप को और मेरे देश को काफ़ी ज़्यादा रिच मानता हूँ, एंड काफ़ी लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी जगह रहने का मौका मिला और एक्सप्लोर करने का। भाई अपना देश ही इतना बड़ा है कि बंदा पूरा भारत एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता भाई, एक जन्म कम पड़ जाएगा। हमें विदेश जाने की ज़रूरत इसीलिए तो नहीं पड़ती क्योंकि जब बंदा खुद का देश ही एक्सप्लोर ना कर पाए तो भाई विदेश क्या करेगा। एनीवेज यहाँ से तो हम किसी गांव से होकर के गुजर रहे हैं और वेरी सून यहाँ से कुछ शायद आधा या एक किलोमीटर आगे यहाँ से टोल नाका पड़ेगा और उधर से क्रम आगे बढ़ेंगे, उधर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी रह जाती है राजघाट। ओहो गौ माता दोबारा हमारे रास्ता रोकते हुए, इनसे तो हमारी भाई न जाने को हमसे क्या नाराज़गी है। और देखा जाए तो मुझे ये चीज़ बस काफ़ी ख़राब लगती है, अगर गांव वाले थोड़ा कंट्रोल रखें इनके ऊपर या एक साइड कहीं करें, क्योंकि हाईवेज पर ऐसे अपने पालतू जानवरों को छोड़ देना उनके लिए भी सेफ नहीं है, और जो ट्रैवल कर रहे हैं हाईवेज के ऊपर उनके लिए भी सेफ नहीं है। न जाने कितने ही एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं सिर्फ इन्हीं वजह से। और लिटरली अगर आपके पास में ब्लैक कलर की गाय या भैंस, भैंस तो ब्लैक ही होती है खैर, ये इस टाइप के अगर जानवर कोई हैं तो भाई साहब, अगर ऐसे जानवर रात को आपने हाईवेज पर खुले छोड़ दिए इनको तो नोटिस कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर। एंड बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, मैंने
कई बार अपने आंखों से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं, एंड इवन एक या दो बार मैं खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बिल्कुल बाल बाल बचा हूँ। सो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट को नोटिस करता हूँ, और आप लोगों ने भी देखा होगा। एनीवेज अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, धूप भी अभी उतनी ज़्यादा निकली नहीं है मॉर्निंग की वजह से, सो डैट इज़ गुड, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप, ओहो भाई सामने वाले भाई साहब को तो देखो जरा कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ऐसे लोगों का जरूर चालान होना चाहिए, एटलीस्ट चालान नहीं बट ऐसे लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। छोटा मोटा इशू होगा बाइक में ठीक कराइए जाइए, बट इस तरीके से अगर हम गाड़ियाँ यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हमारे लिए ही वो चीज़ें हानिकारक होती हैं और है ही। खैर जाने दीजिए इन सारी चीज़ों को, हमारे देश में ये सारी चीज़ों की तो भरमार है, किस किस को रोकेंगे किस किस को रोकेंगे, बस हमारा जहाँ तक बस चलेगा जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं सो हम कोशिश तो करते रहेंगे। चलिए जो भी हो रोड्स की हालत ने दिल खुश कर दिया। एक्चुअली यहाँ से ये NH है और NH की कंडीशंस तो ऑलमोस्ट अच्छी ही होती है, ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट मिल जाता है। बस कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हो जाता है, वो भी कुछ एक्सीडेंटल रीजंस से, बाकी आफ्टर ऑल ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में ये रोड चलते हैं। यार ऐसे छोटे छोटे गांव जो बीच बीच में आ रहे हैं कसम से उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी दिल करता है कि किसी गांव में वेकेशंस बनाए जाएं, कुछ दिन रुका जाए, काफ़ी अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है। और सबसे मेन चीज़ ये एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। एनीवेज जिस टोल नाके की हमने बात करी थी ये आ गया है वो टोल नाका, MPRDC NTLB सिलवानी। सो अब हम सिलवानी रीजन में एंटर कर चुके हैं, और इधर से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है राजघाट डैम। सो बस स्टे ट्यून्ड, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगने वाला है पहुँचने में, और कुछ ही टाइम में हम पहुँचने वाले हैं राजघाट। और ये देखिए राजघाट ये लिखा हुआ है राजघाट मार्ग, और यहाँ से जाने वाला अंदर हम ओए होए 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 जैसी बात करी थी उसका उलट ही हो गया भाई। ये देखिए इधर तो खतरनाक रोड है भाई, ऐसी ये तो ऑफ रोड की बात कर रहे थे और ऑफ रोड ही हो गया हमारे साथ। ओ भाई यहाँ से तो रोड लगभग गायब ही हो चुका है, पूरा रोड खुदा हुआ है, इधर से तो गाड़ी लाना मुश्किल का काम है, टायर पंचर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। है कोई बात नहीं, आई एम कमिंग फॉर यू राजघाट, मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। काफ़ी खतरनाक रोड मिल रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, जो गिट्टी वाले ये रोड होते हैं जो गिट्टियाँ डली रहती हैं, मेरे को तो लिटरली इनमें गिरने से सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई, अगर गिर गए तो एकदम तरीके से हमारी मरम्मत की जाएगी इनके द्वारा, सो डैट इज़ वाई यहाँ पर स्लो चलें तो ही बेटर होगा, इसलिए मेरी स्पीड ओनली 10 9 9 10 ऐसे चल रही है। वैसे इतना अच्छा डैम है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आना जाना लोगों को लगा रहता है, ओए 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 भाई खतरनाक यार कैसा खुदा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पर इस रोड की आई गेस जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए, और रोड की हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट ही नहीं किया गया। चलिए कोई नहीं, रोड को छोड़िए व्यूज़ पे आइए। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं राजघाट, और यहाँ से बस चंद मीटर्स की दूरी पर राजघाट, और बहुत जल्द आप सीन देखने वाले हैं राजघाट के। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से ये कुछ पाइपलाइंस वगैरह दिखने लगी हैं, ये जो मेन सिटी तक सारा पानी भेजती हैं।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजघाट डैम पर, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है राजघाट डैम। और अब हम चलते हैं इसके और ज़्यादा नज़दीक, और नज़दीक से आपको यहाँ के सारे व्यूज़ दिखा दें। फिलहाल तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन रोड है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है मॉर्निंग टाइम में और ऑलमोस्ट सभी टाइम में। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के व्यूज़। तो गाइस अभी हम मोटर सेक्शन के पास में खड़े हुए हैं राजगढ़ के, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से पूरी सागर सिटी के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, और काफ़ी बड़ी बड़ी मोटर्स जो है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से पूरे शहर को वाटर सप्लाई दिया जाता है। और अभी तो यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी कुछ उतर गया है इस कंपेरिजन टू रेनी सीजन, और क्योंकि रेनी सीजन अब जा चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और इधर घूमने लायक दृश्य अभी भी है। और मॉर्निंग टाइम अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। सो डियर व्यूअर्स, अगर आप भी राजघाट घूमने का प्लान बना रहे हैं, और इन माय सजेशन अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो टाइम रहेगा वो है बरसात का, और बाकी तो हमारा दिल है, हमारी मर्जी है, जब हम चाहें तब जा सकते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल देयर इज इन रेनी सीजन। सो गाइस, ये रहा हमारे पीछे राजघाट का वाटर रिसोर्स, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। टाइम स्पेंड करने के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्लेस है, और इधर हम घूमने आ सकते हैं। और राजघाट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सागर शहर से काफ़ी ज़्यादा पास है, मैक्सिमम आपको कुछ ही मिनट्स लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आधा घंटा का समय आप लेंगे राजघाट तक ट्रैवल करने के लिए। सो नाइस प्लेस टू विजिट, और सेफेस्ट प्लेस भी इसको हम कह सकते हैं। With you the sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars, I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. 'Cause when you're around I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. तो आज का सफर खत्म होता है यहीं, और कैसी लगी आपकी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप यहां तक आ ही गए हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड हाँ गाइस, आपका सपोर्ट मेरे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि विद योर सपोर्ट आई एम एवरीथिंग एंड विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग। So please guys, keep liking, keep supporting and keep subscribing. Bye bye, love you, take care my dear, ride a soul happy 15 family, stay connected, stay safe, milte hain next vlog mein jaldi hi.